नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। तो आज फिर से मैं एक बिहार झारखंड की बहुत ही स्पेशल फेमस रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये है अनरसा की रेसिपी। मेरे चैनल पे ऑलरेडी अनरसा की रेसिपी है, लेकिन वो गुड़ वाली रेसिपी है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप चीनी वाले अनरसे की रेसिपी बताएं, तो स्पेशली उनके लिए आज मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जिससे कि आपके अनरसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो अनरसा बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कप चावल। ये नॉर्मल चावल है जो हम लोग रेगुलर खाने में यूज करते हैं, जिसको अरवा चावल भी बोलते हैं, वाइट चावल भी बोलते हैं। तो ये मैंने एक कप लिया है। इसको 8 से 10 घंटे के लिए भिगो लेना है फ्रेंड्स। अच्छा से इसका फूलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, ऑलरेडी मैंने चावल को भिगा के रख लिया था। तो ये हमारा चावल जो है फूल के रेडी है। इसको हम लोग 2-3 अच्छे पानी से धो के ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक छन्नी में इसको छनने के लिए रख दिया। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से गिर जाएगा। और 10 मिनट के बाद हम लोग इसको लेते हैं। तो ये अच्छे से पानी गिर गया। यहाँ पे इसको किचन टावल में, एक कोई भी कॉटन के कपड़ा में फैला लेंगे, जिससे कि इसका जो भी पानी है वो सूख जाए, क्योंकि इसका आटा हमें बनाना है। और इस तरह से गीला चावल पीसेंगे तो वो उसका पाउडर नहीं बन पाएगा। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको इस तरह से कपड़े में फैला के रख देने से वो सूख जाएगा। आपको जल्दी तो आप पंखे के नीचे भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए, पंखे के नीचे 10 मिनट में ही सूख जाता है। जो बस हाथ में पानी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं सुखाना। यदि ज़्यादा सूख गया तो फिर इसका फाइन पाउडर बनके तैयार नहीं होगा। तो इसको एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। यहाँ पे चावल बहुत कम है तो एक बार में ही सारा चावल पीस जाएगा। यदि आप ज़्यादा चावल ले रहे हैं तो उसको 2-3 बार में करके थोड़ा थोड़ा करके पीस लें, बहुत ही ईजीली पीस जाता है। तो इसको चलिए पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए, चावल का आटा जो है एकदम रेडी है। और ये जो चावल का आटा बनता है फ्रेंड्स अनरसे के लिए स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होता है, सूजी के जैसा दरदरा रहता है थोड़ा सा अनरसे के लिए, तभी अनरसा का टेक्सचर और टेस्ट अच्छा बन के आता है। तो तैयार है हमारा चावल का आटा। अब यहाँ पे एक पैन या कढ़ाई गर्म कर लो। उसमें मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी। एक कप चावल में आधा कप चीनी का रेशियो रहेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रहे। जितना भी आप चावल ले रहे हैं उसका आधा चीनी, और जितना चीनी लिए हैं उसका आधा पानी लेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी लिया था तो 1/4 कप उसका पानी लेंगे। तो इन दोनों को डाल के इसका आपको चाशनी बनाना है। मैं बता दूँ, यहाँ चाशनी वाला मैं अनरसा बना रही हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है। बिहार झारखंड में भी बहुत तरीके से बनता है, लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने जो खाया है, मैं वो आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चाशनी वाला अनरसा बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ चाशनी, इसमें उबाल आ गया है फ्रेंड्स, 2-3 मिनट में उबाल आ गया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने कर रखा है। अब इसको चेक करना है हम लोगों को, हर 3 से 4 मिनट में एक बार चेक कर लेंगे कि चाशनी रेडी हुआ है कि नहीं। उसके लिए इस तरह से पानी लेंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे इस चाशनी का। तो देखो, ये पूरा मेल्ट हो गया, मतलब पानी में पूरा घुल गया है, मतलब ये चाशनी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। 5 मिनट इसको हम लोग अच्छे से उबाल लेंगे। तो टोटल 7 से 8 मिनट में ये चाशनी बन के रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अब देखिए, मैं इसको दिखा रही हूँ, यहाँ पानी में 2 ड्रॉप मैंने डाला और ये जो है चाशनी इकट्ठा हो रही है, मेल्ट नहीं हो रही है, घुल नहीं रही है पानी में, मतलब ये परफेक्ट तैयार है। अब यहाँ पे मैं सूखा नारियल, मतलब गड़ी ड्राई कोकोनट, उसको छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद चावल का आटा को थोड़ा थोड़ा हम लोग डालते जाएंगे। आप जो चीनी और चावल का ये रेशियो रखिएगा ना, 1 कप चावल में आधा कप चीनी, तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये जो मिक्सचर बनेगा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट होगा। सारा चावल का आटा को डाल दिया, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप सूखे नारियल को जो मैंने काट के डाला है फ्रेंड्स, उसको आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो या फिर पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसमें थोड़ा डाला है। और इसको देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया। ये मिक्सचर अभी आपको गीला लग रहा होगा, बट जैसे जैसे ये ठंडा होगा, चीनी जो चाशनी है वो ठंडा होने के साथ साथ जमती है, तो ये टाइट हो जाएगी। तो इसको 5 मिनट तक के लिए हम लोग ठंडा कर लेते हैं, इस तरह लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद जो है ये बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी में आ गया, ये गाढ़ी भी हो गई है और इसको हाथ लगाने लग ठंडा भी हो गया है। तो अब चलते हैं अनरसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सफ़ेद वाली तिल ली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अनरसा की।
और इस तरह से छोटे छोटे बॉल तोड़ना है, नींबू से भी छोटे साइज का, बहुत बड़ा ना बनाया नर्सा, फिर उसको फूलने में दिक्कत जाती है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा तेल या घी लगा ले ताकि ये चिपके नहीं, वैसे आपके आटा परफेक्ट बनाओ तो वो नहीं चिपकता है। इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और तेल के ऊपर रख के इसको हल्का हल्का दबा देंगे, तो ये हमारा अनरसा बनके रेडी है। और इसको तेल में या फिर घी में फ्राई करते जाएंगे इस तरह से, तो एक एक अनरसा बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं। इसको बना के रखना नहीं होता है क्योंकि इसका आटा जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, चीनी की वजह से ये थोड़ा फिसलता है। और इसका देख लीजिए, ऐसे अब जब दबा रहे हैं तो वो फैल रहा है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है चीनी की वजह से। तेल मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया, तेल गर्म होने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। तेल यहाँ परफेक्ट गर्म है, मैंने चेक कर लिया है। अब अनरसे को मैं डाल के दिखाती हूँ कि कितना, और बहुत ही फटाफट फ्राई होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, एक अनरसा मैंने इसे लिया और ऐसे डाल दिया, कुछ भी नहीं करना है, वो अनरसा अपने आप फूल के ऊपर आएगा, तभी आपका अनरसा परफेक्ट बना है। और ये देखिए, इसको हल्का सा वो चिपक गया था तो मैंने एक कलछी लगा दिया कि ताकि वो बीच में आ जाए। और ये देखिए, फूल के एक साइड आ रहा है, एक साइड थोड़ा सा होल बन गया, वहाँ पे हो सकता है पतला हो गया हो या फिर नारियल आ गया हो, उसके कारण वो जो है फूट गया, फूला नहीं पूरा। तो बस इसको डालते के साथ ही मतलब 20 से 25 सेकंड में एक अनरसा फ्राई होके रेडी हो जाता है। तो बस बनाते जाएं, डालते जाएं, फ्लेम को लो रखना है। जब ऐसा लगे कि अनरसा थोड़े लेट से तेल के ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जगह ना फ्रेंड्स, वो पाउडर वाले शुगर का भी अनरसा बनता है, जो शुगर पाउडर और चावल का आटा को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र और बाकी स्टेट में, बट बिहार झारखंड में इस तरह बनता है। और पाउडर वाला भी बनता होगा बिहार झारखंड में भी, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो प्लीज़ इसमें ऐसा कोई कमेंट ना करे कि ऐसा नहीं बनता है, वैसा नहीं बनता है। मैंने जैसे बनाया है, खाया है, मैं आपके साथ वैसा ही शेयर कर रही हूँ। तो बस इस तरह से छोटे छोटे बॉल लेते जाना, तिल लगाते जाना और तेल में फ्राई करते जाना, हो सके तो इसको घी में फ्राई करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स, मुश्किल से 10 मिनट में सारा अनरसा फ्राई होकर रेडी हो जाता है। तो मैं सारे अनरसा फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। और इसके गुड़ के भी अनरसे बनते हैं, जिसका कि रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आए थे, इसलिए मैंने चीनी के अनरसा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा सारा अनरसा बनके यहाँ रेडी है। और ये लास्ट वाला अनरसा, सारे एक साइज़ का, एक शेप का, और सबसे जो लास्ट वाला वो छोटू सा बना था, छोटा सा आटा बच गया था तो उसका मैंने छोटा सा बना लिया है। तो ये हमारे सारे अनरसे बनके रेडी है। अब मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से इसका टेस्ट, जो टेक्सचर है वो कैसा रहता है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता, बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, माउथ मेल्टिंग होता है। इसको आप जब मुँह में डालोगे ना तो ये आपके मुँह में घुलेगा, कहीं भी चिपकेगा नहीं दांत में। ये देखिए, ऊपर से आप देख के समझ में आ रहा हो, ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की ये जो बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वहाँ की, वो पसंद आई होगी आपको। यदि पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।